गुड मॉर्निंग क्लास. एज यू नो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 1. आवर चैप्टर नंबर 1 आवर फैमिली आर फैमिली. Okay. In this chapter, we have discussed many points. Now, today we'll discuss the read and reflect part of it. Okay. Read and reflect. Read and reflect. Here a first point is given. A family tree helps us to understand the relationships between different members of a family. Okay? इसमें हमने पढ़ा था. What is family tree? Family tree में कौन कौन सी families? Maternal family and paternal family. Maternal family yours mother side family and paternal family your father side family. तो family tree से हमें क्या पता चलता है कि हम एक दूसरे से कैसे रिलेट हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए आपकी बुक में एक एग्ज़ाम्पल भी गिवन है. यस, दादाजी एंड दादी जी. इसमें एक रिया की पैटर्नल फैमिली को डिस्क्राइब किया गया है. ओके, तो उसकी पैटर्नल फैमिली में सबसे पहले कौन आते हैं? दादाजी एंड दादी जी. उसके बाद नीचे ताया जी एंड ताई जी, मतलब ताऊ जी जो आपके पापा के बड़े भाई होते हैं, और उनकी वाइफ मतलब ताई जी. उसके बाद पापा और मम्मी आपके पेरेंट्स, मतलब जो आपके पापा और मम्मा हैं. बुआ जी फूफा जी पापा की सिस्टर और उनके हस्बैंड कौन? बुआ जी एंड फूफा जी. चाचा जी एंड चाची जी. उसके बाद आपके जो चाचा जी हैं और उनके मतलब पापा के छोटे भाई और उनकी वाइफ मतलब चाची जी. ठीक है, उसके बाद क्या आता है? आर्यन एंड ईशा. आर्यन एंड ईशा आर द चिल्ड्रन ऑफ ताया जी एंड ताई जी. आर्यन एंड ईशा किसके चिल्ड्रन है? अपनी बुक में देखिए किसके चिल्ड्रन है? ताया एंड ताई जी के, मतलब ताऊ ताई के. रिया एंड रोहन. रिया एंड रोहन मतलब रिया का भाई कौन है? रोहन. दे आर द चिल्ड्रन ऑफ देयर पेरेंट्स. योग एंड इला. योग और इला कौन है? बुआ जी के बच्चे, मतलब जो आपके बुआ जी फूफा जी हैं उनके चिल्ड्रंस कौन है इसमें? योग एंड इला. देन चाचा जी एंड चाची जी. साहिल एंड राहुल. चाचा चाची के बच्चे कौन है? राहुल एंड साहिल. तो इसमें हमें क्या बता रहा है ये कि दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. अब ये ताया ताई पापा मम्मी बुआ जी फूफा जी चाचा चाची ये किनके, ये किसके चिल्ड्रंस हैं? किसके हैं? ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा एंड दादी के. उसके बाद नेक्स्ट इनके बच्चे मींस इनकी जनरेशन द चिल्ड्रन ऑफ मतलब ताऊ ताई चाचा चाची दे आर द चिल्ड्रन ऑफ सेकेंड मतलब थर्ड जनरेशन. आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन में ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, सेकेंड पेरेंट्स में आपके अंकल आंट और पेरेंट्स आते हैं, एंड थर्ड जनरेशन में द चिल्ड्रंस ऑफ यू इंक्लूडिंग द चिल्ड्रंस ऑफ योर अंकल एंड आंट. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन योर मदर वॉज योर एज शी लिव्ड विद अ डिफरेंट सेट ऑफ रिलेटिव्स. जब आपकी मदर व्हेन योर मदर वॉज योर एज, जब आपकी मम्मा जो हैं आपके बराबर की थी, मीन्स जैसे आप अभी छोटे हैं वह जब वो आपके बराबर की थी तो उनकी जो फैमिली मेम्बर्स थे जो रिलेटिव्स थे वो बहुत डिफरेंट थे, है ना. वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी, उनके दादा दादी नाना नानी बुआ फूफा, तो उनके रिलेटिव्स क्या थे? डिफरेंट थे. बट आफ्टर मैरिज जब वो उनकी शादी हो गई आपके पापा के साथ मतलब अपने हस्बैंड के साथ या अपने फादर के साथ रहने लगी तो उनके रिलेटिव्स क्या हुए? चेंज हो गए. उनके वो मैटरनल मम्मा पापा हो गए, मतलब जो मैटरनल फैमिली थी वो उनके मम्मा पापा थे, और ये उनके हस्बैंड के मम्मा पापा, मतलब आपके पापा के मम्मा पापा होते हैं तो
तो क्या हुआ, ये सेट ऑफ रिलेशन रिलेटिव चेंज हो गया, वहाँ पर उनका रिलेशन चलता, अब यहाँ जो आपके पापा के रिलेटिव है वो आपके मामा के रिलेटिव हैं। तो जब मामा हमारी एज की होती हैं तो उनका जो रिलेटिव्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, मतलब दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ रिलेटिव्स। देन अ बेबी ग्रोज इनसाइड द मदर्स बॉडी, व्हेन द बेबी ग्रोज टू बेग फॉर द मदर्स बॉडी इट इज़ रेडी टू टेक बर्थ। अब देखा होगा कि वेयर टू चिल्ड्रंस कम, बेबीज कहाँ से आते हैं, मामा के बॉडी से। तो क्या होता है, वो बहुत पहले बहुत छोटे होते हैं, फिर धीरे 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 ग्रो करते हैं मामा के उसमें, मामा की बॉडी में, फिर वो न्यू बॉर्न, मतलब फिर उनका बर्थ हो जाता है, फिर वो बाहर आ जाते हैं, मीन्स फिर वो बर्थ ले लेते हैं। ऐसे क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस, मतलब जब वो छोटा बेबी बहुत बड़ा हो जाता है, पहले वो बहुत छोटा पार्टिकल होता है, फिर जो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, फिर जब वो बड़ा हो जाता है इट मीन्स दैट इज़ रेडी टू कम, मतलब वो बर्थ लेने के लिए रेडी है और वो बर्थ ले लेता है। लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स ऑल्सो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, सम एनिमल्स ले एग्स एंड द यंग वंस हैच आउट ऑफ देम। आई हैव प्रीवियसली टोल्ड यू, पहले ही बताया था मैंने कि जैसे ह्यूमन बींग्स बेबी को बर्थ देते हैं, वैसे ही कुछ एनिमल्स अपने यंग वंस को जन्म देते हैं या अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी बेबीज थ्रू वो एग ले करते हैं और उनके बेबीज होते हैं। समझ में आया, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह अपने बेबीज़ को, मतलब बाय रिप्रोडक्शन या वो प्रोसेस से वो अपने न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ देते हैं। बट सम एनिमल्स क्या होता है, दे ले एग्स, वो अंडे देते हैं और उसके बाद उनके न्यू बेबीज डेवलप होते हैं। एडॉप्शन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल बिकम लीगल पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड हु वॉज नॉट बॉर्न टू देम। अडॉप्शन मैंने आपको बताया था, व्हाट इज़ अडॉप्शन, अडॉप्शन एक वो प्रोसेस होती है जिससे हम किसी दूसरे बच्चे को जिसे हमने बर्थ नहीं दिया होता है या हमने पेरेंट्स ने जन्म नहीं दिया होता है, बट उसको लीगली, अब मतलब वो लोग ले लेते हैं लीगली, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू विथ ऑल परमिशंस, कि बाद में कोई रिस्ट्रिक्शन ना करे कि ये बेबी हमारा है या आपने कैसे ले लिया, इस तरीके की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो चीज़ जो प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडॉप्शन। फॉस्टर पेरेंट्स हेल्प इन ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड फॉर अ फ्यू मंथ्स और ईयर्स। फॉस्टर पेरेंट्स मैंने बताए थे वो क्या करते हैं, वो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू नहीं, मतलब एडॉप्शन के थ्रू नहीं, वो क्या करते हैं, जैसे किसी का छोटा बेबी होता है मान लीजिए 2-3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, तो वो उसको ऐसे ही रख लेते हैं, मतलब कोई ऐसा लीगल प्रोसेस नहीं करते हैं कि मतलब कोई ऐसा पेपर वर्क या लीगली मतलब ऑथराइज नहीं होते हैं कि उस बेबी को अडॉप्ट करने के लिए। तो क्या होते हैं वो, किस टाइप के पेरेंट्स होते हैं, फॉस्टर पेरेंट्स। वी हैव डन द एक्सरसाइजेस ऑफ द चैप्टर, फिल इन द ब्लैंक्स हमने कर लिए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मदर्स फैमिली इज द डैश फैमिली, मदर्स फैमिली इज द मदर्स फैमिली इज द मैटर्नल फैमिली, मैटर्नल फैमिली। सेकेंड है, अ चिक कम्स आउट ऑफ द शेल ऑफ एन, अ चिक कम्स आउट ऑफ द shell of an hen, chick is a young one of hen, तो किसके egg से आएगा, hen के egg से कौन develop होगा, chick। dash
अडाश मीन्स बेबी कम from its mother's body. Adash come from its mother's body. Mother's body से क्या आता है? कौन develop होता है? Baby. Adash and Dash are appearance and habits change with age and time. हमारा जो भी अपीयरेंस होता है, हम जैसे दिखते हैं और जो हमारी आदतें होती हैं वो एज और टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती हैं. लास्ट द मदर फीड्स द बेबी एंड protect it from all dangers. मदर बेबी को फीड कराती हैं और उसको सारे डेंजर से बचाती हैं. नेक्स्ट वन नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव डिस्कस्ड, हमने पहले डिस्कस कर ली थी. नाउ वन एक्टिविटी इज गिवन इन योर बुक पेज नंबर 6. मैम इज एक्सप्लेनिंग द एक्टिविटी. मैम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको इसमें क्या करना है, बट ये आपको खुद करनी है, मतलब आपको इंडिविजुअली करनी है, ठीक है. एंड दिस यू हैव टू डू इन योर बुक. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट इज गिवन, फाइंड आउट मोर अबाउट योर मदर्स चाइल्डहुड. आस्क हर द फॉलोइंग थिंग्स. आपको क्या करना है, अपनी मदर के चाइल्डहुड मतलब उनके बचपन के बारे में चीज़ें पता करनी है. कैसे पता करेंगे आप? अपनी मम्मा से पूछ के. फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू आस्क, इन विच सिटी डिड शी लिव. आपकी मम्मा किस सिटी में रहती थी? इन विच सिटी डिड शी लिव. आपकी मम्मा किस, जब वो चाइल्डहुड में थी, जब वो बचपन, उनकी जो चाइल्डहुड एज थी बचपन में, वो कौन सी सिटी में रहती थी. ओके, नेक्स्ट इज, इन विच सिटी डिड शी स्टडी. जब वो बड़ी हुई, पढ़ाई करने लगी, फिर वो कौन सी सिटी में थी? समझ में आया? पहले पॉइंट में आपको क्या करना है, इन फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू आस्क, जब वो बहुत छोटी थी तब वो कौन सी सिटी में रहती थी. देन नेक्स्ट इज कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कौन सी सिटी से की, मतलब जब उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी या जब वो पढ़ रही थी तो वो कौन सी सिटी में रहती थी. सेकेंड पॉइंट में आपको वो लिखना है, व्हाट गेम डिड शी प्ले. और वो अपने चाइल्डहुड में कौन कौन से गेम्स खेलती थी, क्योंकि आप कि जो मतलब जो करेंटली और पहले की गेमों में बहुत डिफरेंस होता है. पहले लोग इंडोर गेम्स अवॉइड करते थे, आउटडोर गेम्स बहुत खेलते थे, बट अब क्या है, आप लोग इंडोर ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी मोबाइल गेम्स. यस और नो? तो इसमें आपको क्या लिखना है थर्ड पॉइंट में, कि मम्मा कौन सा गेम्स खेलती थी. हु वॉज द बेस्ट फ्रेंड्स, और उनके कौन कौन से बेस्ट फ्रेंड्स थे. इन फोर्थ पॉइंट यू हैव टू राइट कि उनके कौन कौन से बेस्ट फ्रेंड्स थे, उनके नाम लिखने हैं आपको. व्हाट वर हर हॉबीज़, और उन्हें क्या क्या करना अच्छा लगता था, मतलब उनकी क्या क्या हॉबीज़ थी. उन्हें डांस करना पसंद था, गाना गाना पसंद था, खाना बनाना पसंद था, पढ़ना पसंद था, ड्राइंग पसंद थी, क्या पसंद था, मतलब उन्हें क्या क्या करना अच्छा लगता था. हमें इसमें क्या लिखना है, उनकी हॉबीज़. व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसेस शी वेयर, और वो किस किस तरह के कपड़े पहनती थी, है ना. आपके टाइम में और पहले के टाइम में बहुत डिफरेंस रहता था. पहले के टाइम में लोग का जो मतलब लाइफस्टाइल था, जो ड्रेसिंग सेंस था, वो बहुत डिफरेंट था. अब जो और जो अब है वो बहुत डिफरेंट है. नाउ नेक्स्ट इज, डू अ बेबी सर्वे
फाइंड आउट ऑल अबाउट अ बेबी इन योर फैमिली और नेबरहुड. आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. फर्स्ट ए वाले पार्ट में आपको अपनी मदर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी थी मदर से पूछ के, और सेकंड वाले में आपको एक बेबी के बारे में, चाहे वो आपके घर का हो या आपके नेबरहुड का हो, कोई भी एक बेबी के बारे में आपको सारी जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है. फर्स्ट पॉइंट, व्हेन वाज द बेबी बॉर्न, मतलब उस बेबी का जन्म कब हुआ है, मतलब उसकी बर्थ डेट क्या है. इज़ द बेबी अ बॉय और अ गर्ल, मतलब जो वो बेबी है, इज़ ही और शी अ गर्ल और अ बॉय, वो या क्या है, वो लड़का है या लड़की है. वेयर वॉज द बेबी बॉर्न, मतलब वो बेबी कहाँ पैदा हुआ है या उसकी बॉर्न प्लेस क्या है, तो हमें उस सिटी का नाम लिखना है. हु डज द बेबी लुक लाइक, और बेबी किसकी तरह लगता है. आपने देखा होगा ना, कई बार आप लोगों से कह देंगे तुम अपनी मम्मा की तरह लगते हो या आप अपने पापा की तरह लगते हो, कहते नहीं कहते हैं, तो वही लिखना है कि व्हाट डज द बेबी, हु डज द बेबी लुक लाइक, कि बेबी किसकी तरह दिखता है. देन व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज हर हेयर, मतलब उसके बालों का कलर कैसा है, ब्लैक है, ब्राउन है, हल्का सा गोल्डिश ब्राउन है, जो भी उसका कलर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे. व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर आइज, उसकी आइज का कलर, जैसे ये जो बॉल होती है ना ब्लैक ब्लैक दिख रही है आपको, जैसे मैम की ब्लैक है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की हल्की सी ब्लूइश भी होती है, तो हमें इसका कलर लिखना है. डज द बेबी हैव एनी टीथ, मतलब उसका कोई क्या कोई टीथ है. अब जो बिल्कुल आप किसी बहुत छोटे बेबी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो उसके टीथ नहीं होंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसके बहुत कम टीथ होंगे, तो हमें इसमें ये लिखना है कि क्या बेबी के टीथ हैं या नहीं, येस और नो. हाउ मैनी आवर्स अ डे डज द बेबी स्लीप, और वो बेबी एक दिन में कितने घंटे सोता है. ओके, व्हाट डज द बेबी स्टे विद मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब उसके साथ मोस्टली कौन टाइम स्पेंड करता है, मम्मा पापा भाई बहन, मतलब उसके संग मोस्ट ऑफ द टाइम कौन रहता है. देन लास्ट, व्हाट डिफरेंट साउंड्स डज द बेबी मेक, और डिफरेंट टाइप्स की कौन कौन सी ऐसी साउंड होती हैं जो बेबी मतलब करता है. देखा अगर छोटा बेबी होता है वो कह सकता आ आ या ऐसे उस टाइप के साउंड्स कुछ होती है ना, मतलब ही और शी इज ट्राइंग टू से समथिंग, मतलब वो कुछ बोलने की कोशिश करता है तो वो वर्ड्स तो नहीं बोल पाता है, बट उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की साउंड होती हैं, तो हमें उस साउंड को एक वर्ड फॉर्म में लिखना है. ओके, समझ में आया. दो एक्टिविटीज़ गिवन है. फर्स्ट एक्टिविटी में आपको अपनी मम्मा के चाइल्डहुड के बारे में लिखना है, मतलब जब आपकी मम्मा छोटी थी, और दूसरे वाले में आपको किसी एक बेबी के बारे में लिखना है, चाहे वो आपकी फैमिली का बेबी हो या फिर आपके नेबरहुड का. समझ में आया. ये एक्टिविटी आपको अपनी बुक में करनी है. मैम ने सारे पॉइंट समझा दिए हैं, मैंने एक एक पॉइंट समझा दिया है कि आपको किस पॉइंट में क्या लिखना है, बट ये इन्फॉर्मेशन आपको मदर के बारे में लिखनी है, किसी बेबी के बारे में लिखनी है, तो ये आपको खुद करनी पड़ेगी. ठीक है, समझ में आ गया. ओके क्लास, ऑलमोस्ट द चैप्टर इज डन, सारी एक्सरसाइजेस वगैरह हमने डिस्कस कर लिया. ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी क्लियरली. इन एवरी क्लास आई हैव एक्सप्लेन द चैप्टर, हर क्लास से मैंने आपको एक क्विक रिव्यू दिया है, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए और उसे समझने की कोशिश करिए. समझ में आ रहा है. एंड डू योर वर्क इन अ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, अपना वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करेंगे. ओके, थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे.